हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एमपीपीएटी 2024 के कट ऑफ के बारे में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले किस ठीक है सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं इसको आप एक बार जरा देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर की जो टोटल सीटें हैं मध्य प्रदेश में लगभग 750 सीटें हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की कितनी सीटें हैं, 160 सीटें हॉर्टिकल्चर की है। जिन बच्चों को फॉरेस्ट्री करना है तो फॉरेस्ट्री की केवल 25 सीट है। और जिन बच्चों को स्टूडेंट्स बीटेक करना है, ठीक है, बीएससी इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, जिसे हम लोग बीटेक एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, वो स्टूडेंट्स 70 सीटें हैं। अब स्टूडेंट्स जो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की 750 सीटें हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें से 576 सीटें फ्री सीट है। फ्री सीट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को एमपीपीएटी ठीक है क्रैक करने के बाद में कॉलेज मिलेगा, तो शुरुआत में स्टूडेंट्स आप लोगों को 5000 रुपये लगते हैं दोनों को, चाहे वो फ्री सीट मिले चाहे वो आपको पेमेंट सीट मिले। 5000 के बाद में कॉलेज में आप लोगों को स्टूडेंट्स ठीक है फ्री सीट वालों को टोटल जो खर्चा आता है वो स्टूडेंट्स लगभग ठीक है लगभग 11000 के आसपास में आपको खर्चा आता है फर्स्ट सेमेस्टर का। वहीं पर स्टूडेंट्स पेमेंट सीट वालों को ये खर्चा जो है वो 18000 रुपये आता है। और स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का भी बहुत ज़्यादा जो है रोल होता है। फ्री सीट वाले सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, पेमेंट सीट वाले बच्चों को कई बार स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। तो आपको क्या करना है, आपको फ्री सीट पर ही स्टूडेंट्स अपना फोकस बना के रखना होगा, क्योंकि फ्री सीट का कट ऑफ अलग होगा और पेमेंट सीट का कट ऑफ अलग होगा। ठीक है, तो आपको अपनी सीटें 576 के अंदर में लेकर आना होगा। टोटल तो 750 सीटें हैं, ठीक है। बीएससी हॉर्टिकल्चर की 128 सीटें जो है वो फ्री हैं, मतलब जिसमें सबसे कम पैसा लगेगा। हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, आपको उसमें सारी सुविधाएँ बहुत कम पैसे में मिलेगी। स्कॉलरशिप भी आपको इतनी मिलेगी कि आपका पूरा बीएससी एग्रीकल्चर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, आपको जेब का एक रुपये नहीं लगेगा। लेकिन जिन भी बच्चों को पेमेंट शीट मिलेगी, मतलब आपने अभी फॉर्म भरा है तो इसमें लिखा होगा क्या आप पेमेंट शीट चाहते हैं। यदि आपने यस किया होगा, हाँ किया होगा, तो स्टूडेंट्स आपको या तो फ्री शीट मिलेगी या तो आपको पेमेंट शीट मिलेगी। लेकिन जिन बच्चों ने उसमें नहीं कर दिया होगा, तो स्टूडेंट्स यदि उन नंबर कम आते हैं तो वो तो फ्री शीट से तो हाथ धो ही बैठेंगे, वो पेमेंट शीट भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो पेमेंट शीट वाले ऑप्शन में हाँ करना जरूरी है। क्या आप पेमेंट शीट चाहते हैं तो हाँ, क्यों, क्योंकि उससे फ्री सीट का ऑप्शन तो खुला रहेगा, पेमेंट शीट का भी ऑप्शन खुला रहता है। ठीक है, तो जितने भी कोचिंग के बच्चे हैं सबने पेमेंट शीट पर यस किए हैं। जिन बच्चों ने नहीं कर पाए हैं, ये गलती आपसे हो चुकी है फॉर्म भरने में। बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स, बीएससी हॉर्टिकल्चर में जो है ठीक है फ्री सीट 128 थी, पेमेंट शीट 32 है। ठीक है, फॉरेस्ट्री में 20 सीटें आपकी फ्री सीट है और 5 सीटें जो है वो पेमेंट है। बीटेक इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स 56 जो है आप लोगों की फ्री सीट है और पेमेंट शीट आपकी 14 सीट है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स ये आप लोगों की सीटें हैं, आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के वाइज में। ठीक है, कि भैया बीएससी एग्रीकल्चर करना है, हॉर्टिकल्चर करना है, फॉरेस्ट्री करना है या इंजीनियरिंग हम लोगों को करना है। ठीक है, यदि एमपीपीएटी के कट ऑफ की बात करें 2024 की, तो स्टूडेंट्स जनरल वाले बच्चों को लगभग 115 नंबर लेकर आना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा किसी भी कॉलेज के लिए। फीमेल को स्टूडेंट्स लगभग 108 नंबर चाहिए किसी भी कॉलेज के लिए, टॉप कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स, जिस कॉलेज में आपका अच्छा एजुकेशन होगा उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को लगभग 120 प्लस लेकर आना होगा। लड़कियों को 115 से ऊपर नंबर लेकर आना होगा, तब जाके स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर है कि इतने नंबर में आपको कॉलेज मिल जाएगा, अब ये कौन सा मिलेगा ठीक है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 120 लेकर आ रहे हो, 115 नंबर यदि आप लेकर आ रहे हैं लड़कियाँ, तो आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 110 नंबर मिनिमम लेकर आना होगा क्वालिफाइंग के लिए, मैक्सिमम आप प्लस 5 नंबर बढ़ाकर चलें। ठीक है, 95 नंबर लड़कियों को कम से कम लेकर आना होगा क्वालिफाइंग के लिए कि आप स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, कुछ ना कुछ कॉलेज आपको मिल जाएगा। एससी वालों को स्टूडेंट्स 102 नंबर मिनिमम चाहिए, लड़कियों को 98 नंबर के आसपास में चाहिए। एसटी वाले बच्चों को स्टूडेंट्स 95 नंबर मिनिमम बॉयज़ को और लड़कियों को 93 नंबर मिनिमम चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। अब ये जो भी कट ऑफ दिया गया है इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को 5 से 7 नंबर और ऐड कर लेना है यदि आपको अपने मनपसंद कॉलेज चाहिए होंगे तो। और जितने नंबर आपको ये कट ऑफ में बताए गए ये आसान नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों को ठीक है तैयारी करना पड़ेगा इसका पेपर, जो स्टूडेंट्स आप लोगों के 11th 12th के लेवल का नहीं होता है, इसका पेपर अलग ही होता है, व्यापम सेट करता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को 10 साल के पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना होगा, 2023 के दोनों पेपर आपके पास में होना चाहिए सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के, 2022 के दोनों शिफ्ट के होना चाहिए, 21 के पेपर आप लोगों के पास में होना चाहिए और एग्रीकल्चर का ही होना चाहिए। यदि आपने मार्केट से कोई अरिहंत की बुक उठा लिए हैं, नवबोध की, प्रबोध की, युगबोध की या महावीर की, पुणेकर की, तो स्टूडेंट्स उस बुक से कुछ भी नहीं आएगा।
आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा 15 दिन का, 20 दिन का, ठीक है। इसमें आपको जो है डेली टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लगाइए, PYQ पूरे लगाइए, ठीक है, IMP क्वेश्चन लगाइए, IMP टॉपिक आप लोग लगाइए, तो आपका 15 से 20 दिन में भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप लोगों को, ठीक है, सिलेक्टेड, ठीक है, टॉपिक पढ़ना पड़ेगा तो आपका सिलेक्शन बनेगा, ठीक है। यदि आप चाहें कि हम बुक से पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, ठीक है, हमसे जो है फिजिक्स नहीं बन रही, केमिस्ट्री नहीं बन रही, बायो नहीं बन रही है, ठीक है, कृषि विज्ञान वाला जो आपका पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी वाला, वो नहीं बन रहा है, ठीक है, क्रॉप और एनिमल में आपके अच्छे से नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में काम नहीं चलेगा। क्वालिटी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है, PCM वाले बच्चे हों चाहे PCB वाले बच्चे हों, क्वालिटी एजुकेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। और एग्रीकल्चर वाले बच्चे स्टूडेंट्स मन लगा के तैयारी कीजिए। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आप आज ही संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। ये स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग का व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, आप इस नंबर पर पहले कॉल कर लीजिए, आपको सारी डिटेल बता देंगे, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं जल्द से जल्द संपर्क कीजिएगा क्योंकि आपके पास में समय बहुत कम बचा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।